जिला सोलन में एसपी और डीसी के तबादले को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि अब व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों का तबादला नहीं किया गया बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए रात के अंधेरे में तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार को बने करीबन 60 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार अपने अधिकार स्थापित नहीं कर पाई है, यही कारण है कि इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो भी बद्दी में घटना घटी है उसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री का अपना कार्यालय है लेकिन उसमें कोताही होने पर उसकी गाज जिला के दो अधिकारियों पर गिरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों का तबादला गाजर मूली की तरह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तबादलों की सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 माह में प्रदेश सरकार ने तबादलों के सिवाय कुछ नहीं किया। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि नालागढ़ में अव्यवस्था तो एक बहाना मात्र है लेकिन उसके पीछे वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने कहा कि आज तक मुख्यमंत्री अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए हैं और न ही उच्च अधिकारी उनकी बात मान रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ उसको लेके जिम्मेवार जो है मुख्यमंत्री जी का अपना कार्यालय है जहां से कार्यक्रम जारी होते हैं और उसको लेके टॉप लेवल पे ऑफिसर्स को जो है आप रात के अंधेरे में ट्रांसफर करें, गाजर मूली की तरह आप अफसरों को बदल रहे हैं। वैसे तो ये सरकार जो है तबादलों की सरकार है, पिछले 2 महीनों में तबादलों के सिवाय इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। इसके 2 ही कारण है, या तो मुख्यमंत्री जी की अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई है या अफसरशाही जो है इनको मान नहीं रही है। हमें तो बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री जी का दौरा तो एक बहाना है, इसके पृष्ठभूमि में कुछ और मसले हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की परेशानियां हैं, दिखते हैं, उनके निवारण के लिए जो है ये अफसर बदले गए हैं। आगे फ्रंट में कुछ दिखाया जा रहा है जबकि बैकग्राउंड में कुछ और मसले हैं। ये जो है जो भवंडर मचाने का जयराम जी ने प्रयास किया है ये एक मुख्यमंत्री जी के लिए शोभा नहीं दे रहा है।